अदालत परिसर में आगजनी पर नियंत्रित करने को लेकर फायर सिलेंडर लगाए गए थे, जिनकी सीमा अवधि अगस्त 2022 में खत्म हो चुकी है। इनको अभी तक बदला नहीं गया है। ये नज़ारा कैमरे में कैद किया गया है। इसी घटनाक्रम में खुलासा कर दे, जिला कुरुक्षेत्र की अदालत की 4 मंजिला इमारत में आगजनी को नियंत्रित करने को लेकर फायर सिलेंडर लगाए गए थे। ये सभी सिलेंडर वर्ष 2021 में लगाए गए थे, जिनकी अवधि 2022 के अलग अलग माह के अंतराल में समाप्त हो चुकी है। इन फायर सिलेंडर की सीमा अवधि को बीते अब तक 4 माह हो चुके हैं, जिस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। अदालत कुरुक्षेत्र में लगे इन फायर सिलेंडरों को खबरनामा के क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज ने कैमरे में कैद किया है। ऐसा नहीं है ये नज़ारा केवल कुरुक्षेत्र की अदालत का हो, बता दें ऐसा ही मामला जींद अदालत का भी है। जींद अदालत में भी लगे फायर सिलेंडरों की सीमा अवधि समाप्त हो चुकी है। इसी घटनाक्रम में बता दें कि हरियाणा भर के तमाम अदालत परिसर में लगाए गए फायर सिलेंडरों की अवधि भी इसी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। ये सब राम भरोसे ही चल रहा है। देखा जाए तो अदालत परिसर में सरकारी अधिवक्ता के अलावा अनेकों अधिवक्ताओं का आवागमन होता है, इनका भी शायद इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। अब देखना होगा कि खबरनामा के जागरूक करने के बाद प्रशासन कब तक हरकत में आता है और इन फायर सिलेंडर को बदलने की मुहिम कब तक शुरू हो पाती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल हरियाणा भर के तमाम अदालतों में छुट्टियां हैं। नए साल 2023 की जनवरी माह की 2 तारीख को ये खुलेंगी, तब तक इंतजार करें। खबरनामा हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।